गाइस हम पहुंचने वाले हैं जिला बुरहानपुर और हम आपको जो किला दिखाने आए थे वो किला ये है, असीरगढ़ का किला। और ये बहुत ऊंचाई पे है, अभी हमको पहुंचने में भी कम से कम 7-8 किलोमीटर लग जाएगा। तो हम आ चुके हैं बुरहानपुर, चलिए दिखाते हैं हम आपको बुरहानपुर का असीरगढ़ का किला, जो कि आशा अहिर ने बनवाया था अपने कुछ जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए। और आगे की और भी कहानी है राजा महाराजाओं की, तो हम आपको कहानी के अनुसार बताएंगे। तो चलिए हम आपको अब किला घुमाएंगे। I've been counting down the days, counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Fly me to hell. Fly from the end. So I'm full speed ahead. हम असीरगढ़ का किला, जो कि असीरगढ़ का किला बुरहानपुर ज़िले में है। और यह किले का निर्माण आदिल खान द्वितीय ने 15वीं शताब्दी में कराया था। तो हम आपको ये 60 एकड़ भूमि में बना किला आपको घुमवाते हैं। तो चलिए, हमसे घूम तो नहीं पाएगा 60 एकड़। सो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं असीरगढ़ का किला, आपको घुमाते हैं असीरगढ़ का किला, दिखाते हैं यहाँ पे क्या अच्छी चीज़ें हैं और किसने क्या करवाया था। तो कुछ कथा के अनुसार इस प्रकार कहा भी जाता है कि एक आशाहिर नाम के इंसान ने यह किला अपने पशुओं को रखरखाव और उनके बचाव के लिए किया था। इस किले का निर्माण आशाहिर ने ईंट, गारा, पत्थर, मिट्टी, चूना आदि कई प्रकार की चीज़ों से इस्तेमाल करके बनवाया था। यह किला असीरगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पे है, जो कि बहुत अच्छा किला बना हुआ है बुरहानपुर में, और गजब का किला है, बहुत अच्छा नज़ारा है। देखिए, हम आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं किले में क्या क्या है, किस तरीके से है, आइएगा। दोस्तों, यहाँ से हमारी एंट्री होती है, आधार कार्ड देना होगा हमें, कुछ ना कुछ हमारा आईडी प्रूफ, इसके बाद अंदर जाना होगा। और यह कहा जाता है कि इस किले का निर्माण आशा अहिर ने करवाया था। इस किले में आशा अहिर रहने आया था, जो कि अपने 1000 पशुओं के साथ और कई अपने अन्य जानवरों के साथ उनकी रखरखाव, उनकी सुरक्षा के लिए किले का निर्माण कराया गारा, पत्थर, ईंट, चूने के द्वारा। और इसके बाद राजा, कई प्रकार के राजा आए, कई प्रकार के सम्राट आए, और भी कई इतिहास से जुड़ी कहानियाँ हैं इसमें, इस किले में, और कई प्रकार के रहस्य हैं। और यह भी बताया जाता है कि रामायण काल का भी रहस्य है। तो दोस्तों, ऐसा नाम पड़ा असीरगढ़ का किला आशा अहिर के द्वारा, तो आशा अहिर से नाम जुड़ा है असीरगढ़ का किला। तो जिला बुरहानपुर में बहुत मस्त किला है, आगे आइए, देखिए हमारे इस किले को, हम आपको घुमाते हैं और हमारे दोस्तों की मस्ती, हमारी मस्ती, चलिए आइए आगे देखिए। Oh, 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 oh
दोस्तों, ये है श्रीगढ़ का किला और ये 1000 फीट की ऊंचाई पे है ना। तो हम आपको आज घुमाने लाए थे श्रीगढ़ का किला। अब दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे किस तरीके से है। यूट्यूब चैनल पे हम ऐसे कई आपको पुराना पुरातत्व काल दिखाएंगे, पुराने किले, पुराने महल, राजा रजवाड़ों के टाइम के। तो आज हम आपको ऐसे लौट लेके आए थे और हम आगे चलते हैं मंदिर, शंकर जी का मंदिर है, तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं। आइए, सो फ्रेंड, यह ब्रिटिश छावनी, ये देखिए उसकी हालत ऐसी हो चुकी है। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं शिव मंदिर की ओर। तो देखिए, आ चुके हैं हम इस शिव मंदिर के एरिया में। इस रास्ते से हमें अंदर से मंदिर की ओर जाना होगा और मंदिर के साइड में एक गजब की बावड़ी, बहुत सुंदर सी बावड़ी बनी हुई है। और देखिए मंदिर का नज़ारा बहुत गुड लुकिंग है। चलते इस रास्ते से मंदिर में। इस रास्ते से हमें मंदिर के अंदर जाना होगा, प्रवेश करना होगा। इस द्वार से ये देखिए हमारे कुछ दोस्त लोग, और ये है शिव मंदिर, ये देखिए। इस शिव मंदिर का निर्माण पुराणों के अनुसार रामायण काल का भी है, ऐसा बताया जाता है। यह मंदिर अत्यधिक पुराना है। ये शिव जी की शिवलिंग भी बहुत पुरानी है और यह मंदिर रामायण काल के समय का है। I can hear it sound calling my name.
वाटर सिस्टम। इस महल में 6 तालाब और 14 कुएं हैं। रानी तालाब था, यह निकट स्थित बावड़ी भी जलपूर्ति कहा करते हैं। दोस्तों ये देखिए गुप्त रास्ते इस तरीके से बंद हुआ करते थे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।